taking everyone's loveful remembrances. सबकी प्यार भरी याद लेके जब बाबा ने मेरा आवाहन किया सूक्ष्म वतन में तो मैं भोग के साथ बाबा के पास गई बाबा को भोग स्वीकार कराने तो फिर बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी पूरी सभा को बहुत प्यार से दृष्टि दी और गैदरिंग में पूरी सभा में बाबा ने हर एक को देखा और बाबा ऐसी दृष्टि दे रहे थे जहां पर ना कि सिर्फ बाबा अपना प्यार हमको दे रहे थे परंतु जैसे बाबा हमको देख रहे थे तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि बाबा क्या देख रहे हैं लेकिन फिर बाबा ने कहा कि हर कोई आप में से हर कोई जैसे बहुत मूल्यवान हीरा है और बाबा दृष्टि दे रहे हैं इसलिए कि आप में से हर कोई उसको महसूस कर सके कि मैं कितना विशेष हूँ कितना मूल्यवान हूँ तो बाबा की दृष्टि के द्वारा ये जो अनुभव था महसूसता थी कि मैं कितना मूल्यवान हूँ आप सबको ऐसे लगा आप सबको लगा ऐसे हाँ लगा हाँ कि नहीं हाथ उठा के दिखाओ तो बाबा बहुत बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे जिससे कि हम अपना खुद का मूल्य समझ सकें कि हम कितने विशेष हैं हर कोई हम में से कितना विशेष है दृष्टि के द्वारा बाबा साथ साथ क्या कर रहे थे कि जैसे हमारे अंदर कोई दाग है ना छोटे मोटे तो बाबा वो मिटा रहे थे जैसे ऐसे छोटे दाग जैसे छोटा खरोच है कोई दाग है तो वो जैसे बाबा सब सफाई कर रहे थे जिससे कि हीरे का जो मूल्य है वो बढ़ जाए और बाबा की दृष्टि ऐसी थी आज तो ये बाबा कर रहे थे तो मैंने बाबा से कहा बाबा मैं भोग लेके आई हूँ बड़े परिवार की तरफ से यहाँ पीस विलेज की तरफ से और फिर बाबा ने बहुत बहुत प्यार से भोग को स्वीकार किया और फिर उसके बाद बाबा ने कहा क्या बच्चों को पता है कि बच्चे यहाँ पर क्यों हैं तो मैंने बोला हाँ जरूर उनको पता होगा तो बाबा ने कहा मैंने उनको निमंत्रण दिया इसलिए बच्चे यहाँ पर हैं घर पर बुलाया है ना उनको ये घर है ना सबका घर है बाबा का घर सब बच्चों का घर है so that you are free your intellect is free जिससे कि आपकी बुद्धि एकदम जैसे मुक्त है और बाकी सेवाओं से स्टूडेंट जो भी है उन सब से आप यहाँ पे फ्री होके बैठे हो और ये बहुत जरूरी है थोड़ी देर के लिए ऐसा अनुभव करना महसूस करना तो जो आत्मा को बहुत आराम की जरूरत होती है जिसको साइलेंस कहते हैं तो जब आप अपना घर छोड़ के आते हैं जहाँ आपको कई जिम्मेवारियां हैं कई सेवाएं हैं तो फिर आप जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ बाबा का साथ महसूस करो साइलेंस को महसूस करो और सिर्फ इतना नहीं साथ साथ जो बातचीत है बाबा से कैसे बाबा से बात करनी है बाबा के क्या हमें इशारे मिल रहे हैं और आपस में भी एक दूसरे से सिर्फ प्यार हो ये बहुत जरूरी है तो जितना साइलेंस जरूरी है ना उतनी बातचीत भी जरूरी है बातचीत में आना भी बहुत जरूरी है कि एक दूसरे से स्पष्टता हो किसी भी बात में तो बाबा हर एक बच्चे को अपनी गोद में बिठा रहे थे जैसे आराम दिलाने के लिए उस प्यार का अनुभव कराने के लिए तो बाबा का तो बहुत बेहद का प्यार है ना तो जितने भी बच्चे हैं बाबा के उतने ही गोद हैं उनको आराम देने के लिए
तो बाबा जैसे अपने दिल तख्त पे बिठाता है सबको। बाबा सेड दैट कॉन्फ्लुएंस एज और बाबा कह रहे थे कि संगम युग पर देयर आर टू एक्सपीरियंसेस दो तरह दैट के बाबा वांट्स अनुभव एवरी हैं चाइल्ड टू हैव जो बाबा चाहते हैं कि हर दैट बच्चा इनर अनुभव करे। विक्टोरियस दो दो अनुभव, मैन एक कि ओवर मैं विजयी आत्मा हूं विक्ट्री है ना, विजय नॉट ओनली मेरा सक्सेस बट विक्ट्री इज माय सफलता नहीं, नेचुरल स्टेट विजय, सफल होना अलग है पर सो वी हैव विजयी, टू बी कॉन्करर्स तो राइट हमें विजयी बनना है। वॉट एवर वे माया ट्राइज और तो किसी कर्म भी तरह से कंस्ट्रेंट माया आए, किसी भी तरह से ऑलवेज वी हमारे विल कर्मों को हैंड खाते इन के लिए, हैंड लेकिन हम हमेशा विजयी हों। एंड देर शुड बी अ स्माइल ऑफ विक्ट्री ऑन योर और फेस हमारे चेहरे पर हमेशा वो लाइक विजय ब्रह्मा की बाबा ने मुस्कान रहनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा योर बाबा के फादर चेहरे पर ऑलवेज ऑलवेज हमेशा मुस्कान रहती थी। वॉज ब्रह्मा बाबा का चीयरफुल चेहरा स्माइलिंग हमेशा हर्षित बिकॉज मुस्कुराता ही हुआ न्यू होता दैट था, ही क्योंकि बाबा इज को विद पता मी था कि विजय तो एंड मेरे नॉट साथ ओनली ही है, सोवरेन मैं तो विजयी आत्मा बट हूं। ऑल्सो सोवरेन परंतु साथ साथ वी आर स्वराज्य नॉट अधिकारी भी, सबसर्वियंट हम किसी के टू एनी अधीन थिंग नहीं है, अधिकारी हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स योर तो ओन पहला पहला तो है हाँ, अपने ऊपर, गॉड्स योर ओन अपने सब सूक्ष्म फिजिकल इंद्रियां, अपने सब सेंस कर्मेंद्रियां, ऑर्गन्स यू उनके हैव बीन ऊपर विजय यू आर हो, नॉट टेम्प्टेड उनसे हम नॉट उनकी आकर्षण अट्रैक्टेड में नहीं बट यू आए, उनसे सी हम खींचे नहीं, उनसे धोखा बाय नहीं योर खाए, सेंस ऑर्गन तो किसी भी कर्मेंद्रिय से धोखा नहीं खाए। आई एम ए विक्टोरियस मैं बट एक विजयी ऑल्सो आत्मा हूँ सोवरेन पर साथ साथ अधिकारी हूँ, बिकॉज ऑल राजयोगीज क्योंकि राज्य अधिकारी हूँ, क्योंकि जो भी राज फर्स्ट वर्ड इज राजयोगी राज होते हैं ना, तो एंड देन पहला शब्द सोवरेन ही राइट राज है ना, तो राज्य अधिकारी कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसे है नोबल ना कि एंड हम किंग राजयोगी तो राजयोगी हैं सब, राज और योगी, सो तो दो शब्दों विक्टोरियस से एंड मिलके बना है सोवरेन ना। तो दीज आर बाबा कह टू रहे ऑफ थे द विजयी टाइटल्स और राज एटरीब्यूशंस अधिकारी, तो ये आपके दो दो सो स्वामान बाबा हैं सेड दैट संगम युग इफ यू के, हैव बोथ विजयी आत्मा राज्य अधिकारी। और जब आपके पास ये दोनों होते हैं, सॉवरेनिटी एंड ऑल्सो विक्टोरियस राज्य अधिकारी भी हैं आप, विजयी आत्मा भी एट हैं, एवरी तो स्टेप फिर हर कदम इन पर, दिस स्पिरिचुअल जर्नी इस हमारी रूहानी यात्रा के हर कदम देर इज पर, समथिंग यू अटेन कुछ न कुछ हमें बट देर इज प्राप्ति है समथिंग विच यू ही। हैव टू बी कॉन्करर ऑफ तो कुछ न कुछ प्राप्ति है, कुछ चीजें हमें विजय टेस्ट पानी है उन रिजल्ट पर। अगर हमें वेदर कोई यू कॉल परीक्षा इट आती है, सेटलिंग ऑफ तो कन्विक्शन परीक्षा बट क्या इट्स है, कर्मों का टेस्ट हिसाब किताब एंड यू चुक हैव तू टू पास करना विद है ना, ऑनर और उसमें क्या हमको पास विद ऑनर होना बट है। रिमेंबर आई एम तो विक्टोरियस सदा याद सो यू रखो, विल मैं तो पास हूँ विद ही ऑनर विजयी आत्मा, तो हम फिर सो क्या वी है, आर पास विद ऑनर अटेनिंग हो एट एवरी जाएंगे ना। स्टेप तो हर बट कदम एट में एवरी स्टेप प्राप्ति देर इज है, ऑल्सो और हर कदम सम में टेस्ट कुछ न कुछ परीक्षा भी आती है, बाबा टेस्ट पेपर वॉन्ट्स भी टू आता टेल है। चिल्ड्रेन तो बाबा बच्चों को बताना दैट यू चाहते आर हैं ऑलमोस्ट कि वेरी सब नियर टू योर बच्चे स्टेज ऑफ परफेक्शन अपने संपन्नता की इट्स स्थिति लाइक के बहुत आर यू नॉट नजदीक हैं। परफेक्ट येट तो मैंने बाबा से कहा, तो बाबा अभी हम संपन्न बने नहीं वेरी हैं, नियर सिर्फ टू नजदीक परफेक्शन हैं। देयर बाबा इज ने कहा, लिटिल नहीं, डिस्टेंस सिर्फ नजदीक स्टिल हो, थोड़ा सा रह गया टू है डेज रिमाइंड अभी, योर सेल्फ लेकिन सदा अपने आप अबाउट को टू रीच याद माई रखा डेस्टिनेशन करो कि मैं अपनी ऑफ मंजिल पे परफेक्शन बस पहुंचने ही वाले हूँ, बस मंजिल सो तक इवन पहुंचने ही जर्नी वाले हैं। तो वंस इन फिर अ क्या वाइल होगा, फील अ यात्रा बिट कई टायर्ड बार होता ना, देन यात्रा में हम हाउ थोड़े हाउ थक लॉन्ग जाते हैं, अभी कितना दूर और सो है, इफ यू कितना हैव दूर और लॉन्ग है, लेकिन अभी अपने एंड आप को क्या कॉन्फिडेंस याद कराना है, बस रीच पहुंचने एंड ही लॉन्ग वाले टू हैं, कम बस बनने ही इफ वाले यू आर हैं, अबाउट टू बी संपन्न बनने परफेक्ट ही वाले एंड हैं, अबाउट टू मंजिल रीच तक दिस पहुंचने ही सेल्फ वाले हैं। सो तो इंटरेस्टिंग एंड संपन्नता के अबाउट भी नजदीक, सेइंग इट मंजिल दैट के यू भी लुकिंग एट द नजदीक। तो जब चिल्ड्रन हम ऐसे अपने को देखेंगे, बाबा भी हम बच्चों को ऐसे देख रहे थे, नेवर नेवर बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो फिर किसी भी कारण से थकेंगे और नहीं, फेड अप नो या उससे हम थकेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ उदास नहीं इंटेंसिव होंगे। तो डोंट क्योंकि बी बाबा फेड कई अप बार योर कहते बॉडी हैं ना बिकॉज कि यू अपने स्टिल शरीर हैव टू से बी भी थको नहीं, सेवा टू आपको दिस करना वर्ल्ड है ना, इस शरीर से भी बहुत सेवा बट करनी लिव अ है। मर्सी लेकिन आज टू बाबा रीच कह रहे अबाउट थे टू कि बी आप बस पहुंचने ही वाले हो, बनने ही वाले हो। रीच योर
मंजिल तक पहुंचने वाले हो और संपन्न बनने वाले हो। तो बाबा कह रहे थे कि बाबा का हाथ हमेशा हमारे हाथ में है और बाबा मेरा साथी है, हम कहीं अकेले नहीं जा रहे हैं, बाबा हमारा साथी है हर कदम पे। तो हम देखो कितने सारे भी तो एक साथ यात्रा पर है ना, तो अंदर की जो यात्रा है वो भी, चाहे दो एक साथ हैं लेकिन अंदर में तो यात्रा जो है वो हमारी, चाहे हम संगठन में है लेकिन सबकी यात्रा तो अपनी अपनी है ना। तो सिर्फ बाबा का हाथ पकड़ के चलते रहो, कभी भी कुछ भी है, हम यात्रा पर हैं लेकिन बाबा का हाथ मेरे हाथ में है ऐसे। तो बाबा आप सबका स्वागत कर रहे थे, बाबा सभाओं को बहुत पसंद करते हैं ना, बाबा को प्यार है, बाबा को बहुत अच्छा लगता है जब सारे बच्चे एक साथ होते हैं, प्लानिंग करते हैं अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने उन्नति के लिए, क्योंकि ये दो चीजें हैं ना जो हमको करनी है कि कैसे हमें पुरुषार्थ करना है, कौन सी अगली सेवा हमको करनी है, तो उसका पूरा पूरा फायदा लो और साइलेंस का भी अनुभव करो, बातचीत भी करो, स्पष्टता होनी चाहिए। तो बाबा ऐसे जैसे हमको बहुत बहुत प्यार दे रहे थे और याद भी, आप सब के लिए बहुत याद और प्यार। अच्छा, ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी, आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। Okay.
Om Shanti, become full of the treasure of happiness. Khushi ke khazane se sampann, khush naseeb, khush numa bano. To aaj ka ishara hai, wah, mera bhagya. To hamari palna karne wala, padhai, shrimat aur vardaan dene wala, har din charya mein saath nibhane wala, swayam param atma hai. स्वयं परम आत्मा है तो इस भाग्य को स्मृति में रख सदा खुशी में झूलते यही गीत गाते रहो कि वाह मेरा भाग्य वाह मेरा भाग्य ओम शांति ओम शांति वेलकम ओम शांति स्वागत है आप सबका अव्यक्ति परिवार में आज है दिन 30 हैव द फॉर्च्यून ऑफ हैप्पीनेस एंड बी हैप्पी एंड चीयरफुल खुशी से संपन्न खुश नसीब खुशनुमा बाबा और आज का जो विषय है वो है वाह मेरा भाग्य अभी हम दीदी से सुनेंगे Om Shanti. Om Happy Shanti. Sadguruvar ki sabko mubarak ho. Kitna sundar vardaan hai na jo Baba keh rahe hain.
कि हमें बस क्या कहना है, वाह मेरा भाग्य। जोर से बोलो, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य बोलो। तो हमको इसको जैसे आवाहन करते रहना है अपने भाग्य का। तो ये कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा वरदान है सतगुरु बाबा के दिन पे हमको इतना अच्छा वरदान मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो बाबा कह रहे हैं कि हमारे संकल्पों की जो मूल्य है, तो और जो चीजें हमारे चारों तरफ हो रही हैं, तो एक शब्द जो बाबा कह रहे हैं शुभ माना पवित्र माना पावन, तो एक होता है श्रेष्ठ और एक होता है पावन, जिसको शुभ बोलते हैं। शुभ, ये बहुत शुभ है, पता नहीं उसको मैं कैसे बताऊं कि शब्दों में, माना पावन, बहुत अच्छा भाग्य, सब कुछ शुभ है। तो अगर मेरे शुभ संकल्प हैं, तो अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। अगर मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में सब कुछ शुभ हो, सब अच्छा अच्छा हो, तो फिर उसके लिए मेरा हर संकल्प अच्छा अच्छा होना चाहिए। सिर्फ श्रेष्ठ नहीं, बहुत श्रेष्ठ, बहुत पवित्र, बहुत पावन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाबा जो कह रहे थे कि तो ये संडे की जो मुरली होती है, तो वो हम शनिवार तक उसको रिवाइज करते हैं। तो उसके लिए बाबा हमको दो शक्तियां कह रहे थे ना, कि हमको दो शक्तियां अपने अंदर रखनी है, क्योंकि हमारे अंदर मिटाने की शक्ति कम है। बाबा मिटाने की शक्ति की बात कर रहे थे, और दूसरी समाने की शक्ति। तो अगर हम समा लेंगे तो फिर बार बार वापस थोड़े ही आएगा, लेकिन हम मिटाना समाना, तो जो हमारी जो स्मृति है उसका हमें स्वरूप बनना है। तो अवेयरनेस तो पता नहीं चलती ना, लेकिन जब हम स्वरूप होते हैं तो फिर पता चलता है उसका। और जो भाग्यशाली आत्मा हूँ, ये भी तो एक स्मृति है ना, तो अपने चेहरे से वो खुशी दिखनी चाहिए, अपनी अपना भाग्य का नशा दिखना चाहिए। तो आजकल बाबा हमको बहुत ऐसे बता रहे हैं ना, कि अपना भाग्य हमको अपनी स्मृति में रखना है, स्मृति स्वरूप बनना है। माना मेरा चेहरा, मेरा चलना, मेरा बैठना, मेरा उठना, सब स्वरूप हो उस स्मृति का। तो बहुत अच्छा है ये अभ्यास करने के लिए। तो बाबा का मैसेज तो कितना अच्छा है, बाबा का प्यार, जैसे बाबा को एक दूसरे को हम देखें तो वो भी जैसे हमारा मूल्य बढ़ा रहे हैं बाबा। तो बाबा अगर हम सबको देख रहे हैं, और कैसे देख रहे हैं, मूल्यवान हीरे के रूप में देख रहे हैं, तो सोचो बाबा हमसे चाहते क्या हैं, वो उसका भी हमें समझना होगा ना। तो सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन सब के प्रति। तो जब हम सबको देखें तो सब कितने मूल्यवान है ना। और ब्रह्मा बाबा जैसे सबको महसूस होता है ना कि हम कितने ज़रूरी हैं, हमारी कितना महत्व है, और बाबा का हर एक बच्चा मूल्यवान है। तो जैसे एक्टर होता है ना, एक तो हीरो एक्टर होता है, बाकी होते हैं जिनका छोटा रोल हो, लेकिन हर एक का ड्रामा में बहुत ज़रूरत है उसकी। तो हर एक के पार्ट की बहुत महत्व है। तो और जो अभी कल का होमवर्क है, वो हम सुनते हैं कि ये जो बाबा हमको इशारा दे रहे हैं अव्यक्त बाप दादा, ये कल के लिए हमारा होमवर्क है। और हमको क्या होमवर्क करना है, बस यही तो कहना, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। तो दो दो शब्द होते हैं ना, एक वाह बोलना, एक हाय बोलना। तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी जैसे श्वास बहुत जरूरी है ना, तो जब बोले वाह, तो फिर ऐसे जैसे श्वास ले रहे हैं तो साथ में वाह बोले। तो लेकिन अगर आप हाय हाय करेंगे दुख में, तो इसलिए बाबा कहते हैं, एक होता है ना शब्द अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा है, अगर हम अच्छा कहते हैं तो अच्छा कहने से हमें खुशी होती है ना। जैसे
है ना, तो मेरा भाग्य कैसा है, वाह मेरा भाग्य वाह। तो कल हर श्वास में हम ऐसे अनुभव करें, वाह मेरा भाग्य। तो बाबा कह रहे हैं, तो मैं हिंदी में ये बता रही थी कि जो भाग्य है वो हमारा खजाना होता है ना, और बाबा क्या कहते हैं कि बाबा हमारा खजाना, हमारा स्टॉक चेक करते रहते हैं कि हमारा भाग्य कितना जमा किया हमने। तो हर रोज जैसे हमको देखना हम क्या जमा कर रहे हैं। तो जैसे आज मैं कह रही थी कि कुछ भी कर्मों का हिसाब किताब है, कुछ भी ड्रामा की सीन आती है, लेकिन वो कुछ इस तरह है कि हमारा दिल कहता है वाह बाबा वाह वाह मेरा भाग्य वाह। और बाबा हमको मदद करते हैं हमारा भाग्य बनाने में, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है, हम उसे प्राप्त कर सके ना बाबा से। बाबा तो मदद कर रहे हैं, लेकिन हम उसको महसूस कर सके, प्राप्त कर सके। जब मैं अपने बाबा के साथ संबंध को अनुभव करती हूँ कि कितना प्यार मुझे बाबा से मिला है, तो एकदम मैं बोलती ना कि बाबा जैसे वो आप सबको दे सकते हैं फिर, क्योंकि आप इतने भरपूर हैं, तो ये मेरा भाग्य कि मुझे मिला, तो अब मैं औरों को दूं। तो इसलिए अंदर से जैसे हमको वो महसूस ना आए, तो जैसे आप सब कुछ देख रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है, बस क्या कहना है वाह बाबा वाह वाह मेरा भाग्य वाह। तो एक जो हमको पालना देते हैं, One who teaches us, जो हमको पढ़ाते हैं, gives us श्रीमत, जो हमको श्रीमत देते हैं। a good consultant, तो आजकल क्या है कि कोई अगर आप किसी अच्छे वकील के पास जाएं, तो कितना वो आपको पैसा ले लेते हैं ना, छोटी छोटी बातों के भी पैसे लेते हैं। तो अगर आप छोटी किसी से एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़नी हो तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। तो कितना पढ़ाई करो तो देखो कितना खर्चा होता है, लेकिन यहाँ बाबा की श्रीमत है हमारे पास बस। तो बाबा हमको श्रीमत देते हैं, और श्रीमत के साथ क्या क्या देते हैं, वरदान देते हैं। तो वरदानों पे वरदान देते हैं हमको बाबा, हर छोटे से छोटा कदम जो हम उठाते हैं बाबा हमको वरदान देते हैं। तो जो हमारी सब जिम्मेवारियों को पूरा कराते हैं, और प्यार जो हमको हर कदम पे देते हैं, पूरे दिनचर्या में हमको साथ देते हैं, कौन कर रहा है, बाबा परमात्मा, स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। तो मैं कई बार कहती हूँ कि कोई भी मुश्किल आए, कोई भी विघ्न आए, देखो लेकिन बाबा तो हमारे साथ है। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा स्वयं हमारा ये भाग्य स्मृति में रखते हैं ना, तो जिससे हम सदा इस खुशी के झूले में झूलते रहे And sing this song, और ये गीत भी गाते रहे कि वाह मेरा भाग्य। So what is this swing? क्या है ये झूला? तो बाबा हमको कह रहे हैं कि आज बाबा जैसे बाबा ने हमको गोद दी, कभी बाबा सिंहासन देते हैं, कभी झूले पर बिठाते हैं, तो बहुत ही सुंदर जगहें हैं ना हमारे पास, जहाँ बैठ के हम पूरा दिन व्यतीत कर सकते हैं। और पूरा दिन जो कुछ भी हम करते हैं, तो उसके लिए बाबा हमको जैसे साथी बनता है, हमारा साथ देता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कुछ भी हो जाए, जो भी हो, बाहर से कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर से मन बिल्कुल शक्तिशाली रहे, स्थिर रहे, एकाग्र रहे, क्योंकि उससे फिर बाबा की याद रहती है ना। तो यही तो हमारी सेवा है ना इस समय पर। और अगर हम सेवा कर पाते हैं, तो फिर उसको कहते हैं कि मूल्यवान हीरा बनना। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
Om Shanti Gayatri Ben. Sister Mohini, this Didi, this morning, this afternoon, evening, I was sitting just. Didi, आज मैं दोपहर को जब बैठी हुई थी एक सेशन में. I think I was checking my phone for messages. और मैं अपना फोन चेक कर रही थी. I just happened to look up. और मैंने देखा. Walking toward me was Avyakti Parivar's best friend. I don't know if you know, Avyakti Parivar's best friend has arrived. Avyakti Parivar ki best friend aayi hui hai. Tells us show your face. Eric bhai, Eric bhai aaye hue hain, to wo piche baithe hain. Eric bhai, come. Just say hello. Eric bhai, aap sabko hello bolo. Avyakti Parivar's best friend. Avyakti Parivar ke best friend hai. तो मोहिनी दीदी कह रहे, मैं सोच रही थी आप कौन है व्यक्ति परिवार का बेस्ट फ्रेंड जो आप कह रहे हैं. सो इन दैट मोमेंट व्हेन आई लुक्ड अप आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग टू सी एरिक. तो मैं जब मैंने एरिक भाई को देखा, प्रैक्टिसिंग बहन एंड भाई, एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई जस्ट फेल्ट सच अ जॉय. तो जैसे ही मैंने एरिक भाई को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई उनको देखकर, बहुत सुख मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो क्या ये इस बात का उदाहरण है जो बाबा कहते हैं कि हमको, हमें बाबा हमेशा प्यार देते हैं, सुख देते हैं, खुशी देते हैं, तो ये क्या रूहानी लव है, रूहानी प्यार है? और विशेष रूप से जो आत्मा हमेशा खुश रहती है, तो अगर कोई आत्मा हमेशा दुखी रहे, परेशान हो, शिकायत करती रहे, तो उसको देखकर तो ऐसा खुशी का महसूस तो नहीं होगी ना. तो ऐसी आत्मा जो सदा खुश रहती है, फिर वो दूसरे को भी सुख देने का साधन बनती है ना. तो ये रूहानी प्यार है जो सामने आता है. तो एरिक भाई जैसे खुशी खुश रहने वाले. Judy, our sister Judy from और फिर उसके बाद जूडी बहन आए और जूडी बहन ने मेरे कान में कुछ कहा और मैं बहुत हैरान हुई उससे. तो वो अपने पिता के बारे में बता रही थी कि वो 90 वर्ष के हैं और इतने ठीक नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने हमको, मुझे उसके बारे में बताया, तो वो हमेशा मेरे टच में थे. लेकिन उस समय जब उन्होंने बताया, तो ऐसे लगा मुझे वो आत्मा मेरे सामने है. तो ऐसे नहीं लगा मुझे उनके स्वास्थ्य के बारे में कि वो, मुझे कोई दुख का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा. तो क्या ये भी ऐसा एक क्षण है जो बाबा कहते हैं कि प्रेम का, रूहानी स्नेह का? तो दीदी कह रहे हैं कि हम में से कई लोग ये महसूस करते हैं ना, और महसूस करते हैं कि अच्छा लगता है. और दीदी कह रहे हैं कि अच्छा है आपने दोनों दोनों स्थितियों को देखा, एक आत्मा जो खुश है, सुखी है, या एक आत्मा जो थोड़ा दुख का अनुभव कर रही है. लेकिन दोनों परिस्थितियों में आपको बाहर से चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अंदर में जो आपको महसूसता हुई कि अगर आप खुश हैं, आप सुखी हैं, तो वो आत्मा चाहे कुछ भी चीज से गुजर रही है, लेकिन आपको अच्छी महसूसता हुई ना. तो बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया. तो एक ये जो आप बात कह रहे हैं कि वाह मेरा भाग्य, वाह, तो कई बार हमें लगता है कि there is something that जो हम अनुभव कर रहे हैं वो या तो वो मेरी किसी तरह की प्राप्ति है, या फिर मुझे एक जो बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि तो ये प्राप्तियां जो मुझे बाबा से हो रही हैं, तो क्या मैं ऐसे महसूस करूं? तो ये जो दो उदाहरण मैंने आपको दिए परिवार के साथ,
जो मुझे अनुभव हुए, तो क्या इससे हम कह सकते हैं कि परिवार के साथ जब हम कुछ साझा करते हैं और बात बता रहे हैं, तो ये दोनों चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं? तो इसको मैं कैसे करूं कि और सदा याद रखूं कि वाह मेरा भाग्य वहाँ, और सदा ये भी अनुभव रहे कि हाँ मैं पूरा अपने परिवार को भी इस भाग्य का अनुभव करा सकती हूँ, ब्राह्मण परिवार को। तो दीदी कह रहे हैं कि हाँ ये एक बात है जो मैं अपने लिए अनुभव करती हूँ कि हाँ जैसे आज दिन में पूरा दिन जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी बातें हो रही थी, बहुत सारे फोन हो रहे थे, बहुत सारे कुछ न कुछ चीजें चल रही थी, तो बट मेरे अंदर ये स्पष्टता थी कि बाबा ये मेरा भाग्य है कि मैं अभी भी स्पष्ट सोच पाती हूँ, बुद्धि चलती है और बुद्धि को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर कई बार मैं कईयों को देखती हूँ तो दूसरों से बातचीत करती हूँ, तो ये भी महसूस होता है कि हाँ दूसरों की कितनी ज़रूरत है हमको यज्ञ में, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका, जैसे हम कनाडा या जो भी जहाँ हम सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन 10 साल बाद मुझे अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा, और उस दिन रात को गायत्री बहन मेरे साथ रुकी थी, तो कई बहनें जैसे रोज दिन रात कुछ ना कुछ, क्योंकि एक विशेष कमरा था तो वैसे तो वो किसी को अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन बहनों को कर दिया उन्होंने। तो मैं वो देख रही थी कि जैसे बाबा मुझे कह रहे हो, बाबा मुझे दिखा रहे हो कि हर एक अलग अलग देशों के जितने भी निमित्त भाई बहने हैं, तो जैसे बाबा मुझे कह रहे हैं कि उनको ये दो, उनको प्यार दो, उनको सब कुछ दो, तो इतना विशेष प्यार क्यों देना है? तो ये बहुत स्पष्ट लगा मुझे, अभी तक ऐसे लगता है। तो मैं समझती हूँ कि परिवार के लिए भी जैसे हम सब एक साथ है ना, तो हम ऐसे नहीं कि हम किसी को पीछे छोड़ के जा सकते, नहीं, सबको साथ लेके जाना है हमने। तो ऐसे नहीं देखना कि मुझे हमेशा लगता है कि क्या जरूरतें हैं, और रूहानी तौर पे भी और स्थूल तौर पे भी। तो एक हेमलता बहन मुझे बता रहे थे कि अगर आप कोई गिफ्ट नहीं ले ला सको तो कम से कम आप केसर ले आओगे हमारे लिए। तो मैंने वहाँ फिर पूछा कि क्या हमें कुछ केसर की डिब्बियाँ मिल सकते हैं? तो देखो जैसे भूमि बहन भी, उनको भी बहुत संस्कार है, बहुत अच्छा सबको देने का। तो अगर वो देखती रहती है, अगर किसी के भोग के बर्तन चांदी के वो काले पड़ रहे हैं या टूट गए हैं तो आप हमको बताओ, तो फिर वो कभी देखती है, वो आप बैज अगर आपका पुराना हो रहा है तो मेरे पास आओ, मैं बदल देंगे। तो वो जैसे हम परिवार के बारे में सोचते रहते हैं। तो एक बार हम शांतिवन में थे तो मुझे वो उनका बिजनेस है शॉल और स्वेटर का जलंधर में, तो मैंने उनको कहा हमें कुछ सैंपल दिखाना, और फिर तो मैं हमेशा रीजन के बारे में सोचती हूँ। तो हर चीज में सबके लिए लाने की सोचती हूँ, सबके लिए, क्योंकि ठंड हो जाती है थोड़ी। तो कभी भी मतलब ऐसे मौका लगता है ना कुछ भी मदद करने का, किसी का कुछ देने का किसी को, तो हम यहाँ से सूटकेस ले जाते हैं। तो उनका पूरा समय इसी में लगा रहता है, पैक करने में या खोलने में। उनको एक दिन भी नहीं मिलता है आराम के लिए, क्योंकि नई नई चीजें, अलग अलग चीजें आती रहती हैं। तो मैं समझती हूँ कि परिवार मेरे लिए तो
तो हमेशा हर एक के बारे में, हर एक के बारे में सोचना, तो ये सिर्फ प्यार नहीं है हाँ, लेकिन हम एक दूसरे का ध्यान कैसे रखते हैं, हर एक को कैसे ध्यान बुद्धि में रखते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, संतुष्टता मिलती है जब मैं सबके लिए कुछ कुछ करती हूँ। बट मैं हाँ अपना भाग्य तो समझती हूँ, लेकिन दूसरों को भी भाग्य बांटना, उससे भी तो जैसे कई गुना बढ़ता है। तो जैसे आप कह रहे हो परिवार के लिए प्यार, परिवार को ध्यान देना, तो ये कोई कुछ भी कहे तो मैं बोलती हूँ अरे आपको ये याद है, या वो बोलते हैं अरे आपको ये याद है, लेकिन जो हमारा स्नेह है वो बहुत निराला है, रूहानी प्यार है ना, पर उसमें बहुत एक दूसरे का ध्यान देना भी समाया हुआ है। और जब मैं ऐसे सुनती हूँ परिवार के कोई सदस्य अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमेशा देखो कि परिवार की बात तो हम करते हैं ना, तो हर पूरे परिवार का हमें ध्यान देना है, उनको प्यार देना है। This thing again about Vaha, my fortune, Vaha. तो गायत्री बहन कह रहे हैं। And of course, not बाबा हमको हमेशा अपने भाग्य को वाह भाग्य वाह कहने को कहते हैं। It mattered to them that the community was defaming Baba, and every one of those, I think, were moved to do something to. To, I don't know if the word is to deal with it or to delete it, as Baba would say, or to clean his slate. So that. तो जो बाबा हमको कह रहे थे ना कि आपको मिटाने की शक्ति होनी चाहिए, स्लेट कैसे मिटाना है, यह तो दीदी अपना अनुभव बता रहे हैं कि कैसे. And at that time, it must have been a fortune. Baba must have been seeing his. उस समय बाबा अपना भाग्य देख रहे होंगे. It didn't matter to him. जो कुछ भी बाबा ने किया, तो जितने भी भाई बहने थे उस समय उनका भाग्य देख के उन्होंने जैसे समर्पित हो गए, लेकिन आज अपने परिवार के बहुत चीजें देखते हैं ना हम. तो बाबा ने जैसे जो भी अपमान हुआ या कुछ भी हुआ, जो भी बाबा ने किया, लेकिन अभी कई लोग कुछ कुछ कहते हैं, तो आप कैसे कहो कि हम उससे अभी कैसे डील करें और बोलते रहे कि वहाँ मेरा भाग्य वहाँ. वहाँ could be maha. When it comes to criticism, तो मैं समझती हूँ कि जब कोई अपमान की बात होती है तो वो मुझे बिल्कुल भी हिलाता नहीं है, क्योंकि आप आपको पता है ना सत्य क्या है, और आप स्पष्ट हो. दूसरा क्या सोचता है उससे आपको कुछ स्थिति में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. अगर आप स्पष्ट हो तो, लेकिन अगर आपने कोई गलती की है तो फिर उसको स्वीकार करें और फिर उसको अपने अंदर परिवर्तन करें कि आगे से नहीं हो. तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ निर्मल शांता दादी का. दादी को कलकत्ता भेजा था बाबा ने और कि वहां जाके आप सेवा करो. तो वो क्योंकि बाबा का वो व्यापार वहां पे था ना, तो वहां पर न्यूज़पेपर में, वहां अखबार में, उसमें एक छोटा सा आर्टिकल उन्होंने लिखा दादा लेखराज के बारे में कि दादा लेखराज कोई हीरो का व्यापारी नहीं था, वो तो जूतों का व्यापारी था, ऐसे करके उन्होंने अखबार में लिखा. तो दादी निर्मल शांता दादी को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने बोला कि आप लिखो कि आप वो जो कह रहे हैं वो गलत है. तो बाबा ने कहा नहीं, आपको ये सब कहने करने की जरूरत नहीं है, हाँ ये लिख सकते हो उसको, पर ऐसे नहीं कि प्रतिक्रिया दो. तो कभी कोई अगर आपको अपमान भी करता है या कुछ करता है, तो मैं बोलती हूँ कि इसको जवाब नहीं दो, लेकिन अपने आप को
What do you think about certain issues? तो हम कई बार कहते हैं ना, आप इस बारे में क्या सोचते हो, ऐसे कैसे सोचते हो? नहीं, अपने तो मैं कहती हूँ कि जैसे कई गुरु होते हैं, तो अभी तो देखो ऐसे चल रहा है समय, तो वो चाहते हैं आना बाबा के पास, और beautiful things about Brahma Kumari. वो कितनी अच्छी ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बातें करते हैं. तो वो कहते हैं कि मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाता हूँ, मिल्क डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट, दूध का, जो भी. तो वो कहता कह रहा था कि हर चीज कितना अच्छा है यहाँ पे. जहाँ भी मैं पूछता हूँ कि ये किसने किया, तो वो हर कोई बोलता है कि तो वो हंसा बहन से बात कर रहा था. तो हंसा बहन को उन्होंने बोला कि वो दादी अब नहीं है. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे मत कहो, हम तो दादी यही है, बाबा यही है, तो हम सब जैसे महसूस करते हैं. तो वो जो साधु था वो इतना खुश हो गया, उसने जैसे भोजन खाया तो उसको भोजन भी बहुत अच्छा लगा. लेकिन जिसको भी वो पूछ रहा था तो सब यही कह रहे थे बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है. तो पहले साधुओं ने देखो कितना अपमान किया, अभी वही हमको समझते हैं, महिमा करते हैं, बाबा के यज्ञ की महिमा करते हैं. तो किसी भी बात से आप घबराओ नहीं, अगर सत्य है तो प्रत्यक्ष होगा. जो मैं हूँ वो तो हूँ ना, तो हमको किसी भी चीज से दुखी नहीं होना है. तो हमको अपनी सत्यता से, अपनी ईमानदारी के साथ टिक के रहना है, अपने स्वमान पे रहना है, और किसी चीज से प्रभावित नहीं होना है, और हर चीज को जैसे हम प्रतिक्रिया दें वो भी नहीं करना है ना. तो ये मैंने ब्रह्मा बाबा से सीखा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे कि जो हमें अपमान करते हैं ना, तो वो हमारे जैसे साथी हैं. क्योंकि हर कोई अगर हमें महिमा ही करता रहेगा, तो हम कैसे ऊपर कैसे उठेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अपने आप को देखें और सब बोले ओ आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे कैसे है ना. तो सिर्फ थोड़ा अपमान होता है तो तभी फिर. तो इसलिए अपने आप को देखना है, बस सत्यता के साथ टिको. कोई अपमान करे तो उससे आप प्रभावित नहीं हो जाओ. तो ये मेरा भाग्य है ना, तो मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, क्योंकि मैं प्रभावित नहीं हो रही, ये भी मेरा भाग्य है ना. एक बार एक बहन कुछ मेरे बारे में कह रही थी, बहुत गलत बात. तो दादी प्रकाश मनी थे, तो जयंती दीदी ने कहा आप चुप कैसे रहे? तो मैंने बोला कि अरे मुझे कुछ करना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, क्योंकि trying to prove that I am honest. I am honest. You have to realize it. Right? So thank you very much, and that was very interesting. And I think Shukriya. It's a good lesson for us, because we're all going to be defamed or were. It's over, no? Or this will happen. So tomorrow is Vaha, my fortune Vaha. In praise. तो कल का पूरा होमवर्क है वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य. Most important thing, I think what you're saying to us, what you've said to us is वाह my fortune वाह. तो बस हमको बुद्धि में रखना है वाह मेरा भाग्य वाह. वाह आप व्यक्ति परिवार, we all agree. Yes. They are waving hand. Great. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Thank you. Everybody. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you, Sister Gayatri. And Om we have Shanti. Wonderful families Didi, here. Shukriya. Gayatri Ben, like Shukriya. Thank you to everyone. Hello, Vyakti Parivar. Vyakti Parivar. Big family today. Bada Parivar hai. Aaj bahut sare aaye hain. Shukriya. और मैं सबको निमंत्रण देती हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं.
कल अमृत वेला होगा सुबह 3:30 बजे. Let's remember Baba and take drishti and then we'll do our avyakti murli. Om Shanti, Om Shanti. Shanti family. Om Shanti, Avik Murli's from 1969, multi-million-fold fortune and blessings. Om Shanti. Avyakt Murli, 6th June 1973. Om Shanti. And closeness. Avyakt Murli, 6 June 1973. इतना ही जमा करते हो जो स्वयं को खिला सको या स्वयं के लिए भी बाबा से आशीर्वाद या इच्छा रखते हो. मदद अभी भी बाबा को कहते हो, मदद करो, हिम्मत दो, इसी में लगे हो जो अभी तक स्वयं के प्रति देने में या करने में लगे हुए हैं, तो ईश्वर को देने वाला दाता कब बनेगा? क्या अंत में बनेंगे? क्या उस समय हाई जंप दे सकेंगे? नहीं, बहुत समय के संस्कार वालों को ही बहुत समय का राज्य भाग्य प्राप्त होगा. तो ये स्लोगन सदा याद रखना कि अभी नहीं, ऐसे नहीं अंत समय होगा तब कर लेंगे. ना जब ना तब, लेकिन अब. तो ऐसे ताज व तख्तदारी बनना है. कौन से तख्त नशीन? तख्त नशीन तो अपने तख्त को जानते हो ना. बाबा के दिल तख्त नशीन. तो इस दिल तख्त की यादगार निशानी देखी है? दिल ही तख्त है, उसकी यादगार निशानी क्या है? जहाँ बैठे हो वो ही यादगार है. दिल वाला है ना, तो ये दिल वाला ही दिल लेने और देने वालों का यादगार है. दिल तख्त नशीन कौन हो सकता है? जो दिल आराम को दिल देने वाला, बाप का दिल लेने वाला है. तो सिर्फ देना नहीं, जिसको लेना और देना दोनों आता है, वो है दिल तख्त नशीन. अभी बाबा का दिल कैसे लेंगे? कोई की भी दिल कैसे ली जाती है? तो जो उनके दिल का श्रेष्ठ संकल्प हो, उस संकल्प को पूरा करना अर्थात दिल लेना. तो बाबा का दिल लेना अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना और विश्व के प्रति सर्वशक्तियों का दाता बनना. Do you also know? फिर लेना भी आता है या सिर्फ देकर ही खुश हो गए?
Is it easy to देना give सहज or है to receive? या लेना सहज है? Which is an easy bargain कौन to सा make? सस्ता सौदा है? In fact, if you वास्तव know how में to give, अगर देना आता then you है automatically तो know how to लेना receive. ऑटोमेटिकली आ जाता है। Once you have given your heart दिया back to बाप दादा, दादा को, then it तो belongs to the जिसको one दे to whom you दिया have given उसकी it. दिल हो गई ना। To whom does something that तो is जो given चीज away to दे you, देते हैं वो चीज does किसकी it रहती belong to है? you आपकी or to the या one जिसको दी to जाती whom you है? have given it? You have given दे it, तो दी have you ना, not? दे तो दी Do ना, you then take it back फिर again? वापस भी लेते रहते हो, Do you still keep कुछ some दिल का pieces of your टुकड़ा heart? रखते रहते हो। Is it तो still like अभी तक भी this? ऐसा है क्या? If someone who has already given the तो heart अभी दिल then देने sells it to वाले someone किसी और else, को दिल बेच if दे, someone sells अमानत something को कोई that बेच has been दे, given in तो वो trust with अच्छा him, नहीं होता that है is not क्या? good. अच्छा नहीं होता ना। Once you have तो given जब the दिल दे heart, दी it then को belongs to the दिल company of हो गई hearts. दिलाराम की, Will the thought of your तो जो heart उनके दिल be the का same संकल्प as the वो thought of ही the other one's आपके दिल heart? का संकल्प Or will होगा there be a या फर्क difference? होगा? What does it mean दिल to win दे someone's लेना क्या heart? है? Whatever is the father's जो बाप thought, का संकल्प that है should be your वो heart. अपना संकल्प। Since the heart जब दिल belongs to ही him, उनका हो गया then the thought would तो be the same. संकल्प भी एक ही होगा There will ना, be not फर्क be a नहीं होगा। difference. Will those who तो know how to give देने their वाले heart को लेना know भी how to give? आएगा या मुश्किल Or will they लगेगा? find it difficult? If they find it difficult to अगर give, मुश्किल लगता it है means तो they उसका do not अर्थ have heart to है give. कि दिल ही नहीं है You have दिल still देने kept a की, peace with yourself. अपने पास कोई टुकड़ा रख Do लिया not है, keep तो even a little जरा भी piece टुकड़ा secretly with छिपा yourself. कर नहीं रखना। Acha, to अच्छा, be continued. तो बाकी की Om मुरली कल Shanti. सुनेंगे। ओम शांति।